हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के न्यू चाइल्ड मनी बैक प्लान के बारे में। पहले बात करेंगे इस प्लान के फीचर के बारे में, इस प्लान की एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में, जानेंगे इस प्लान के रिस्क अटैचमेंट के बारे में, इस प्लान में मिलने वाले राइडर्स के बारे में। आगे बात करेंगे इस प्लान के ग्रेस पीरियड, पेड अप वैल्यू, सरेंडर वैल्यू, लोन फैसिलिटी और प्रीमियम पेमेंट मोड के बारे में। और लास्ट में बात करेंगे इस प्लान से मिलने वाले टैक्स बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट के बारे में। तो इस पॉलिसी को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। ये पॉलिसी चाइल्ड के फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। यह प्लान एक विद प्रॉफिट प्लान है। LIC अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से प्रॉफिट को आपके साथ वेस्टेड सिंपल रेवेन्यू बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस में शेयर करती है। ये प्लान एक रेगुलर प्रीमियम पेमेंट प्लान है, मतलब इस पॉलिसी में पूरे पॉलिसी पीरियड तक पॉलिसी के प्रीमियम को देना होता है। ये प्लान एक नॉन लिंक प्लान है, मतलब ये शेयर मार्केट के रिस्क से जुड़ा हुआ नहीं है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी कंडीशंस कौन कौन सी हैं। इस पॉलिसी में जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रपोजर होते हैं और बच्चे लाइफ अश्योर्ड होते हैं, यानी कि ये पॉलिसी बच्चों के लिए ही ली जा सकती है और इस पॉलिसी में बच्चों की ही लाइफ अश्योर्ड होती है। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है 0 साल। इस पॉलिसी की मैक्सिमम एज एट एंट्री है 12 साल, मतलब ये पॉलिसी एक पैदा हुए बच्चे से लेकर 12 साल की उम्र तक के बच्चे के लिए ले सकते हैं। इस पॉलिसी की मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 25 साल और इस पॉलिसी का पॉलिसी टर्म है 25 माइनस एज एट एंट्री। अगर 5 साल के बच्चे के लिए पॉलिसी ली गई है तो इसका पॉलिसी पीरियड 20 साल होगा। इस पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी टर्म के बराबर ही होगा। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम अश्योर्ड 1 लाख रुपये है और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की इस पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है। 1 लाख से ऊपर के सम अश्योर्ड को 10,000 के मल्टीपल अमाउंट में ले सकते हैं। यह पॉलिसी आप बच्चे के नाम से ही लेते हैं तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें रिस्क कवर कब से स्टार्ट होता है। अगर बच्चे की एज 8 साल से 12 साल है तो पॉलिसी लेते ही रिस्क कवरेज स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद तक या बच्चे की उम्र 8 साल पूरी होने तक जो भी पहले होगा वहां से रिस्क कवरेज स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं पॉलिसी के राइडर्स के बारे में। इसमें प्रीमियम वेवर राइडर मिलता है जिसे ज़रूर लेना चाहिए। इस राइडर के लिए प्रपोजर यानी कि पेरेंट्स जिन्होंने बच्चे के नाम से पॉलिसी ली है उन्हें एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा, जिसका बेनिफिट ये होगा कि अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान प्रपोजर जिन्होंने बच्चे के नाम से पॉलिसी ली है उनकी डेथ हो जाती है तो फ्यूचर के सारे प्रीमियम LIC पे करती है और पॉलिसी के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो टाइम पर बच्चे को मिल जाएंगे। मतलब अगर आपने ये राइडर ले लिया है तो आप रहें या ना रहें आपके बच्चे के सपने ज़रूर पूरे होंगे। अगर प्रपोजर ने ये राइडर नहीं लिया और उसकी डेथ हो जाती है तो इस केस में पॉलिसी को कंटिन्यू रखने के लिए इसके आगे के सारे प्रीमियम फैमिली के किसी मेंबर को भरने होंगे, इसीलिए इस पॉलिसी के साथ प्रीमियम वेवर राइडर को ज़रूर लें। इस राइडर के लिए प्रपोजर जो पॉलिसी के प्रीमियम को देता है उनकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 55 साल। मैक्सिमम कवर सीजिंग एज 70 साल है, मतलब पेरेंट्स की एज 70 साल पूरे होने तक पॉलिसी में प्रीमियम वेवर राइडर की कवरेज रहेगी। 70 साल पूरे हो जाने पर प्रीमियम वेवर राइडर की कवरेज खत्म हो जाएगी। ग्रेस पीरियड, इस पॉलिसी में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड है। मंथली मोड के लिए 15 दिन का ग्रेस पीरियड है। ये ग्रेस पीरियड प्रीमियम को पे करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम जो दिया जाता है उसे कहते हैं। इस ग्रेस पीरियड में अगर बीमा धारक प्रीमियम दे देता है तो उसके पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स कंटिन्यू रहते हैं। अगर ग्रेस पीरियड के दौरान बीमा धारक की डेथ हो जाती है तो भी पॉलिसी इन्फोर्स मानी जाती है और पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर बीमा धारक ने ग्रेस पीरियड के दौरान प्रीमियम नहीं दिया तो पॉलिसी लैप्स कर जाती है और उन्हें पॉलिसी कंटिन्यू करने के लिए पॉलिसी को रिवाइव करना पड़ता है। अब बात करते हैं पॉलिसी को रिवाइव करने के ऑप्शंस के बारे में। अगर पॉलिसी लैप्स कर जाती है तो प्रीमियम ड्यू डेट से पिछले प्रीमियम एरियर और बचे हुए इंटरेस्ट को भरकर पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। इस पॉलिसी में पेड अप वैल्यू की फैसिलिटी भी मिलती है।
अगर बीमा धारक ने किसी भी कारण 3 साल तक प्रीमियम देने के बाद आगे प्रीमियम देना बंद कर दिया हो तो भी पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि घटे हुए सम अश्योर्ड के साथ कंटिन्यू रहती है और आगे टाइम के साथ साथ सम अश्योर्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। एक बात ध्यान में रखने वाली यह है कि पेड अप वैल्यू के केस में सर्वाइवल बेनिफिट्स नहीं होते, मतलब पॉलिसी पीरियड में जो मनी बैक मिलता है वो पेड अप वैल्यू की पॉलिसी में नहीं मिलता। सरेंडर वैल्यू, 3 साल तक बीमा का भुगतान करने के बाद बीमा धारक जब चाहे अपनी पॉलिसी को सरेंडर करके इसकी सरेंडर वैल्यू ले सकता है, लेकिन पॉलिसी को सरेंडर करने से फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। इस पॉलिसी में लोन फैसिलिटी मिलती है जो कि 3 साल तक के प्रीमियम देने के बाद स्टार्ट होती है। इस पॉलिसी में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड्स अवेलेबल हैं। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी में आप जो प्रीमियम देते हैं वो सेक्शन 80C के अंदर आता है और जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सेक्शन 10D के अंदर आते हैं और टोटली टैक्स फ्री होते हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन जिसकी एज 30 साल है और अभी अभी फादर बना है और अपने बच्चे के लिए 10 लाख के सम अश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं, इस केस में एनुअल प्रीमियम 40,266 रुपये होगा, मतलब लगभग 110 रुपये प्रतिदिन। अगर प्रपोजर ये पॉलिसी प्रीमियम वेवर राइडर के साथ लेते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 41,648 रुपये होगा, मतलब 114 रुपये प्रतिदिन। अब बात करते हैं इसके सर्वाइवल बेनिफिट्स के बारे में। जब बच्चे की एज 18 साल पूरी होगी तब सम अश्योर्ड का 20% मतलब 2 लाख रुपये LIC देगी। जब बच्चे की एज 20 साल पूरी होगी तब सम अश्योर्ड का 20% मतलब 2 लाख रुपये LIC देगी। जब बच्चे की एज 22 साल पूरी होगी तब सम अश्योर्ड का 20% जो कि 2 लाख रुपये है वो LIC देगी। जब बच्चे की एज 25 साल होगी तब पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और सम अश्योर्ड का 40% जो कि 4 लाख रुपए होता है, साथ में वेस्टेड सिंपल रेवेन्यू बोनस 12 लाख रुपए और फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000 रुपए, यानी कि टोटल 20,50,000 रुपए LIC देगी और पॉलिसी बंद हो जाएगी। इस एग्जांपल में जो बोनस कैलकुलेट करने के रेट हैं वो LIC के करंट ईयर के रेट हैं। आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी पर LIC जो रेट डिक्लेयर करेगी उसी रेट पर आपको बोनस मिलेगा। इस पॉलिसी में एक जो बहुत ही खास फीचर है वो है डेफरमेंट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट। ये पॉलिसी आपको सर्वाइवल बेनिफिट को डेफरमेंट करने का फीचर देती है। बच्चे की एज जब 18, 20 या 22 साल की होती है उस टाइम आपको जो पैसा मिलता है वो अगर उस टाइम नहीं चाहिए तो पॉलिसी पीरियड में कभी भी ले सकते हैं या इसे मैच्योरिटी पर भी ले सकते हैं। इन पैसों को LIC इंटरेस्ट के साथ देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 18 साल पूरे होने पर जो 2 लाख रुपए मिलने हैं वो आप नहीं लेते और उसे 19 साल की एज पर ले सकते हैं, और अगर इसे 19 साल की एज पर भी नहीं लेते तो 23 साल की एज में ले सकते हैं। LIC इस 2 लाख को इंटरेस्ट के साथ पे करेगी, मतलब सर्वाइवल बेनिफिट को आप जब भी चाहे तब ले सकते हैं, LIC इसे इंटरेस्ट के साथ ही पे करेगी। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। अगर पॉलिसी लेने के 4 साल बाद प्रपोजर की डेथ हो जाती है और प्रपोजर ने पॉलिसी बिना प्रीमियम वेवर राइडर के ली थी तो पॉलिसी को कंटिन्यू करने के लिए बाकी का प्रीमियम फैमिली मेंबर्स को पे करना होगा। अगर प्रपोजर ने प्रीमियम वेवर राइडर के साथ पॉलिसी ली है तो बाकी के सारे फ्यूचर प्रीमियम माफ़ हो जाएंगे, मतलब फ्यूचर के सारे प्रीमियम LIC पे करेगी और पॉलिसी के सारे सर्वाइवल और मैच्योरिटी बेनिफिट्स टाइम पर बच्चे को पे हो जाएंगे। इसके लिए पॉलिसी में प्रीमियम वेवर राइडर बहुत ज़रूरी है। इस पॉलिसी को इस राइडर के साथ ही लें। यदि पॉलिसी के रिस्क कवर शुरू होने के बाद बच्चे को कुछ भी हो जाता है तो पॉलिसी का सम अश्योर्ड और बोनस पेरेंट्स को मिलता है। दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी इस पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखें।